हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा ATCV टावर कहाँ लगाया गया है? तो वो लगाया गया है दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप के लोगों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड का जो न्यू लोगो लॉन्च हुआ है उसका अनावरण किया गया है कतार में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवाइबिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स, इसमें वियना शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो ने किस बैंक के साथ $300 मिलियन का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, विप्रो ने हाल ही में $300 मिलियन का समझौता किया है ICICI बैंक के साथ। नेक्स्ट है, जयदीप सरकार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के स्वर्ण नामक एक पुस्तक है, उसको कौन जारी करेगा? तो फ्रेंड्स, उसको जारी करेंगे एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण भंडारों के शीर्ष 10 में से कौन सा शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स, स्वर्ण भंडारों के शीर्ष 10 में भारत को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मिसबा उल हक को। नेक्स्ट एंड लास्ट करंट अफेयर है, क्रिसिल ने वित्त 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स, क्रिसिल के अकॉर्डिंग जो रेटिंग की गई है उसमें बताया गया है कि 6.3% हमारी GDP रहने का अनुमान है 2020 तक। किस बैंक ने डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र की कप्तान किस देश के बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अफगानिस्तान के जो कप्तान हैं उनको बनाया गया है, वो मात्र 20 साल के हैं और उन्हें अफगानिस्तान का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट है, मोबाइल साइंस म्यूजियम बसों का शुभारंभ किसने किया? तो इसे किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ने कब तक खसरा और रुबेला नामक जो बीमारी है उनको खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 उन्होंने बोला है कि हम 2023 तक खसरा और रुबेला बीमारियों को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है, CBSE को फ्रेंड्स बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ने AI अधिगम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स, AI अधिगम के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मार्शल आर्ट मास्टरशिप में अनुपमा स्वैन ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, अनुपमा स्वैन ने विश्व मार्शल आर्ट मास्टरशिप में कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट है, किरण नागकर का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फ्रेंड्स, वो थे लेखक। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन में IT एक्सलेंस पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, उड़ीसा ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय अभ्यास TSENTR 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाएगा रूस में। नेक्स्ट है, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, स्पेन इस प्रतिस्पर्धा में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का VR आधारित सिमुलेटर केंद्र कहाँ पर ओपन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसको ओपन किया गया है चेन्नई में। मान्यवर के मोहे ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मान्यवर के जो मोहे ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को किया गया है। इससे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया गया है मालदीव में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, सिक्स्थ भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, यानी कि फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इसका मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में अब्दुल कादिर का निधन कहाँ हुआ है और वह कौन थे? तो फ्रेंड्स हाल ही में अब्दुल कादिर का निधन हुआ है, जो कि एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है, बी बाला भास्कर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में नॉर्वे में बी बाला भास्कर को भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने यूनेस्को के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने यूनेस्को के साथ समझौता किया है, जिसके थ्रू वो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है, 44th TIF 2019 इंडियन पवेलियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट है, ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लीजिएगा शीर्ष पर कौन पर था जो शीर्ष पर रहा। तो फ्रेंड्स शीर्ष पर रहे हैं स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है, रक्षा शैक्षिक आदान प्रदान के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स रक्षा शैक्षिक के आदान प्रदान के लिए भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ हाल ही में ये समझौता किया है। किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में तेलंगाना में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है प्रतिबंध खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डेलावेयर स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में गुजरात राज्य ने डेलावेयर स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, 28वां इंडो थाई कॉर्पोरेट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इंडो थाई कॉर्पोरेट जो स्थापित किया गया है वो किया गया है बैंकॉक में। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 की पहली तिमाही रिपोर्ट में FDI कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जो FDI बढ़ा है वो है 28%। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने सी प्लान नामक ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सी प्लान नामक ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सुपरबग्स एंड ऑफ एंटीबायोटिक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाला पहला भारतीय मूल उपकरण निर्माता कौन बना है? तो फ्रेंड्स वो बने हैं अशोक लीलैंड। नेक्स्ट है, किस देश ने समुद्रयान परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसकी घोषणा की है हाल ही में भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जेठमलानी का हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो फ्रेंड्स राम जेठमलानी एक वकील थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा कोची। नेक्स्ट एंड दी लास्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है, जिससे कि वो पर्यटन परियोजनाओं को आगे बढ़ावा देंगे, जिससे पर्यटन भी बढ़ेगा। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं लसित मलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद का 68वां पूर्व सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है असम में। नेक्स्ट है, इटालियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? तो वो जीता है चार्ल्स लेकलर ने। नेक्स्ट है, SCO का सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट है, PTI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? PTI का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है विजय कुमार चोपड़ा को। PTI की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाएगा जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, 24th विश्व ऊर्जा कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी अबू धाबी में। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में PM मोदी ने सबसे बड़े पहले मेक इन इंडिया मेट्रो कोच का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले PM मोदी ने मेक इन इंडिया मेट्रो कोच का उद्घाटन किया था मुंबई में।
नेक्स्ट है, अगस्त 2019 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए गए लेन देन को कितना किया गया है? तो फ्रेंड्स अब तक वो 900 मिलियन किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स मैराथन, दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित की गई है लेह में। नेक्स्ट है, वीरू कृष्णन का निधन हुआ है, कौन थे? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वीरू कृष्णन का निधन हुआ है और वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स विशाखापट्टनम में एक फन जोन रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स हाल ही में राफेल नडाल ने यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल खिताब जीता। प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रदीप दास को प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ 200 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये भारत सरकार ने समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ। नेक्स्ट है, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का उद्घाटन कौन करेगा? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी और इनके साथ में होंगे केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति का 22वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है जिनेवा में। नेक्स्ट है, CHC फॉर मशीनरी ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है पुरुषोत्तम रूपाला ने। नेक्स्ट है, न्यायाधीश पी लक्ष्मण रेड्डी को किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इन्हें नियुक्त किया गया आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में। नेक्स्ट है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 10 सितंबर को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस पेमेंट बैंक ने AEPS शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये शुरू की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी सम्मान दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर यूसुफ हामिद को। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में राजीव कुमार को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 25th सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स ये हाल ही में शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश में। किस कंपनी ने हाल ही में रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स वो है JBL कंपनी। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक गोल्फ ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पवन मुंजाल को। नेक्स्ट है, राजा शेखर का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे अभिनेता। नेक्स्ट है, मत्स्य विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मत्स्य विकास के क्षेत्र में उसको सहयोग देने के लिए भारत ने आइसलैंड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, किस शहर की पुलिस ने गूगल मैप के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में गुरुग्राम ने गूगल मैप के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला IWTC कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया गया है केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स जॉयफ्री बॉयकॉट और एंड्रूस स्ट्रॉस को नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सावरकर एचोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924 नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ हुआ है, उसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका विमोचन, इसके जो लेखक हैं वो हैं विक्रम संवत। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है बिहार ने। नेक्स्ट है, टाइफून फ्रेक्साई किस देश में आया है? तो फ्रेंड्स ये एक तूफान है जो कि आया है जापान में। मुख्यमंत्री व्यापारी छत्रपति बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो फ्रेंड्स ये जाएंगे फ्रांस की यात्रा पर। नेक्स्ट है, किस बैंक ने LIC के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स हाल ही में IDBI ने LIC के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, मैन पोर्टेबल एंटीटैक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है कुरनूल में।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ज्वाइंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे सम्मानित किया गया है नवदीप सिंह सूरी को। नेक्स्ट है, सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसका अनावरण किया है थाईलैंड में। नेक्स्ट है, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में शिल्पा अग्रवाल को फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जेलों में आपराधिक गतिविधियों और कट्टरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है काठमांडू में। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म कहाँ खुला है? तो फ्रेंड्स ये फार्म खुला है वियतनाम में। नेक्स्ट है, स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा IMS खंडेरी के द्वारा। भारतीय बैंक संघ के प्रबंध समिति का सदस्य कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में महाबलेश्वर MS को भारतीय बैंक संघ के प्रबंध समिति का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बाखरुद्दीन हबीबी का निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति बाखरुद्दीन हबीबी का निधन हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश में मेक इन इंडिया ट्रेन पुलथीसी की शुरुआत हुई है? तो फ्रेंड्स ये शुरुआत हुई है श्रीलंका में। नेक्स्ट है, हाल ही में दो हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मेगन सुट्टे ने दो हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने CII के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये समझौता किया है रेल मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो फ्रेंड्स ये आधारशिला रखी गई है मुंबई में। नेक्स्ट है, दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 12 सितंबर को। नेक्स्ट है, किसने भारतीय नौसेना को दूसरा हवाई चेतावनी विमान नेत्रा सौंपा है? तो फ्रेंड्स DRDO ने भारतीय सेना को दूसरा हवाई चेतावनी विमान नेत्रा सौंपा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिलेश पोहिवा का निधन हुआ है वे कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे जलवायु परिवर्तक विचारण। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने हाल ही में 12,500 आयुष स्वास्थ्य के कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने भारत में फूड पार्कों के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये मंजूरी दी है 3,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ओलंपिक के लिए टॉप्स योजना में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स मैरी कॉम को इसके लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, BN युगदर का हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो फ्रेंड्स ये PMO के सचिव थे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, टाइगर श्रॉफ को हाल ही में किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है ASICS कंपनी ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में कपिल देव को हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, T20 फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, सेवा सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया था अमित शाह ने। नेक्स्ट है, मीनाक्षी सदन राय को किस राज्य के हाईकोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है मीनाक्षी सदन को सिक्किम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रक्षा संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में रक्षा संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष जुएल उराव को किया गया है। तो संजीव कुमार दत्त का हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे फिल्म संपादक। नेक्स्ट है, बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने।
नेक्स्ट है, नेहर महल जल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना का जहाज सौमुद्र अभिजन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर विशाखापट्टनम पहुंचा है? यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कौन सा देश है जिसकी नौसेना का जहाज है सौमुद्र अभिजन, वो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आया है जो कि विशाखापट्टनम पे अभी पहुंचा है? तो फ्रेंड्स वो था बांग्लादेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने स्विट्जरलैंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, ड्रग जागरूकता की थीम पर पहली महिला मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित की गई है उधमपुर में। बांग्लादेश और किस देश के बीच में सिविल सेवकों ने भारत में प्रशिक्षण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश और मालदीप के बीच में सिविल सेवकों ने भारत में प्रशिक्षण हाल ही में शुरू किया है। नेक्स्ट है, कॉगनिजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है राम कुमार राम मूर्ति को। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है, भारत का पहला रोगाणु रोधी प्रतिरोध हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट है, 20वें आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स अभी आईफा शुरू हुआ है जो कि इसकी मेजबानी करेगा मुंबई। नेक्स्ट है, ITP रैंकिंग में किस व्यक्ति को शीर्ष पर रखा गया है? तो उस पर रखा गया है नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे कोडेला से प्रसाद राव। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है पोर्ट ब्लेयर में। शिवरामन चेरियानंद का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स ये एक लेखक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में नीना गुप्ता ने बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हंट डिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड इसे सम्मानित किया गया है एग्नेस खरसिंग को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला एवं विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है बेंगलुरु में। किस राज्य के किसानों के जीवन पर आधारित फिल्म मोतीबाग ऑस्कर के लिए नामित हुई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में उत्तराखंड के एक किसान के ऊपर उसके जीवन पर एक आधारित फिल्म बनी है मोतीबाग नाम से, जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर देखभाल पर मालदीव के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड वो समझौता किया है केरल सरकार ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स वो घोषणा की है दिनेश मोंगिया ने। नेक्स्ट है, दीक्षित जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो फ्रेंड ये शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स वो बना है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, किस देश ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स वो अनावरण किया है श्रीलंका में। नेक्स्ट है, किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वीके यादव को। नेक्स्ट है, हाल ही में कोकी रॉबर्ट का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो फ्रेंड्स ये एक फेमस लेखक थी। नेक्स्ट है, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स हैदराबाद का जो कर्नाटक क्षेत्र है उसका नाम बदल के कल्याण कर्नाटक रखा गया है। नेक्स्ट है, 5वां रामायण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो हाल ही में किसे एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में आनंद कुमार को 2019 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सत्तार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स यह है एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इस्तीफे की घोषणा की है ADB के अध्यक्ष ने। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तत्पर ऐप शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये तत्पर ऐप शुरू की है दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 15 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने 15 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो वो कहाँ की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है लद्दाख में।
नेक्स्ट है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। नेक्स्ट है, उत्तरी जोनल काउंसलिंग की 29वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्रीय जल संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यूएसए के राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार के रूप में रॉबर्ट ओब्रायन को किया गया है नियुक्त। नेक्स्ट है, 2022 ओलंपिक के लिए शुभंकर का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये अनावरण किया जाएगा बीजिंग में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 5 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति 5 दिन की भारत की यात्रा पर भारत आए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।